बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। जोश तो कल ठंडा हो गया जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नौ आमूज अमेरिका की टीम ने सुपर ओवर में शिकस्त दी, लेकिन आज जो दो मैचेस खेले गए, इन मैचेस में जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, कनाडा की टीम ने, लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि आयरलैंड को कनाडा हरा देगा, कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त दी। और इससे पहले आज एक और मैच हुआ और उस मैच में स्कॉटलैंड की टीम ने नामीबिया के ख़िलाफ़ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो इस तरह आज दो मैचेस जो खेले गए, और अब जो मैच रात गए शुरू होगा वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। लेकिन कल जिस अंदाज से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, उसकी बाज़गश्त अब तक पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी मुकीम है वहां अब तक सुनाई दे रही है ये बाज़गश्त। और कल जिस तरीके से पाकिस्तान मैच हारा अमेरिका के ख़िलाफ़ डैलस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में, उससे बहुत से दिल टूट गए। कल जब मैच हो रहा था, 7,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डैलस में, और पूरे जिसे कहना चाहिए कि टेक्सास जो अमरीकी रियासत है, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो थे पाकिस्तानी सपोर्टर्स, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सब शर्ट पहनकर वो आए और उन्होंने पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया। बच्चे जो थे वो वहाँ मौजूद थे, दुआएं करते रहे बच्चे पाकिस्तान की फतह के लिए, कि जब सुपर ओवर हो रहा था तो छोटे छोटे बच्चे, आप अंदाज़ा लगाएं कि पैदा ये बच्चे अमेरिका में हुए लेकिन चूंकि इनकी रूट्स पाकिस्तान में है, तो वतन से मोहब्बत के जज्बे के इजहार के तौर पर अल्लाह ताला के सरबसुजूद दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। बच्चे भी मौजूद थे, ख़वातीन भी मौजूद थी, बड़े भी मौजूद थे, और हर तरफ हरा ही रंग नज़र आ रहा था। अगरचे अमरीका की टीम उसका होम ग्राउंड था, लेकिन हर तरफ हरा ही हरा रंग कल नज़र आ रहा था, और तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सपोर्टर्स वहां मौजूद थे। और जिस अंदाज से पाकिस्तान हारा, बड़े दिल टूट गए, बाद लोग तो रोते हुए गए, बच्चे रोते हुए स्टेडियम से घर वापस गए, और पाकिस्तान में भी लोगों की जो हालत थी वो भी देखने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। और वो लोग, वो नन्हे मुन्ने शायकीन क्रिकेट के, जिनको क्रिकेट से दिलचस्पी है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते, इस मुल्क के सब्ज़लाली परचम से मोहब्बत करते, वो सब्ज रंग का जो है वो कपड़े पहनकर वहां आए, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उनके दिल तोड़ दिए। आज के शो में भी इसी हवाले से बात करेंगे, कल जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, उसके हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं खुर्रम मंदू, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे आज के शो में। लेकिन आपको अपडेट देते चलें कि पाकिस्तानी टीम जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच गई है डैलस से। आज पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। आज पाकिस्तानी क्रिकेटर दोपहर को नमाज जुमा की अदायगी के लिए गए, अल्लाह ताला से दुआ की कि किसी तरीके से सुपर एट में पहुँच जाएँ, लेकिन दुआओं के साथ साथ दवा की और कारकर्दगी की भी ज़रूरत होती है। आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आराम किया। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब न्यूयॉर्क पहुंच गए, उन्होंने टीम से गुफ्तगू भी की, और ये खबर आ रही है कि इमाद वसीम मुकम्मल तौर से फिट हो गए, वो भारत के खिलाफ मैच में खेलेंगे। लेकिन क्या होता है इस पर हम बात करेंगे खुर्रम मंदूर से। खुर्रम, कल क्या हुआ सुपर ओवर में? बहुत बोलते हुए भी देखते हुए अफसोस हो रहा था कि सुपर ओवर तक कहानी चली गई और बहुत गंदी क्रिकेट खेली। सच्ची बात है, बिल्कुल जीरो क्रिकेट खेली आपने। पिछले 3-4 मैचों को सवार करके आप बैटिंग में उतरे, आपके जहन में था वैसी अनप्रिडिक्टेबल पिच होगी, पिच बिल्कुल नॉर्मल थी। नॉर्मल दो ओवर जो T20 में नया बॉल होता है वो वैसा हुआ। उन्होंने आपकी प्रेशराइज बैटिंग को अपनी तरीके से हैंडल किया और वो अपनी स्ट्रेंथ पे रहे, वो बैटिंग पे, उनकी उनका जो वीकर जोन है अमेरिका की टीम का वो है बॉलिंग एरिया। उन्होंने इसलिए टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, हम चेस कर लेंगे, और पहले मैच में भी किया और कल भी। मेरे ख्याल से ये अगर मैं कहूँगा कि बेहतरीन बॉलिंग लाइन के खिलाफ चेस कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली थ्योरिकली और स्टैट्स वाइज उनसे बहुत आगे थे। मगर कल उन्होंने हमें साबित किया कि हम वर्ल्ड कप अगर खेल रहे हैं तो हम डिजर्व करते हैं खेलने के लिए, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली। और एक चीज मेंशन करूंगा, अगर वो कप्तान गंदी शॉट नहीं मारता तो हो सकता है ये नॉर्मल 18-19 ओवर में मैच खत्म हो जाता, जिस तरह आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहर जी बिल्कुल। वो अननेसेसरी उसने शॉट मारी जो बनती नहीं थी, 7-7.5 रन की एवरेज थी, हम और आप मैच देख रहे थे, उसने एक गलत शॉट मारी जिसकी वजह से एंड तक मैच गया और फिर पाकिस्तान वापस आया। और ऑनेस्टली बात की जाए
आखिरी ओवर में 15 रन हारिस रऊफ पे इस बैटिंग लाइन के खिलाफ मुझे नहीं लग रहा था बनेंगे, कल बने और उस पर फील्ड प्लेसमेंट समझ से बाहर थी। आप मिड ऑफ को ऊपर लेके फुल लेंथ बॉल कर रहे हो तो सर के ऊपर से दुनिया जहां के मतलब आपने क्रिकेट खेल ली, इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हो, कंसिस्टेंट पाकिस्तान की मेंबर हो और आपने ये गलती की, क्यों कुछ समझ नहीं आया। फिर इतने ऑफ कलर हुए हुए थे कि जब सुपर ओवर में आपको टारगेट मिला, एक बंदा अंदर जाने से पहले दिख गया है, बॉलर और बैट्समैन बताते हैं जो लॉ है आपके, तीन प्लेयर कौन आएंगे और बॉल कौन करेगा। आपको पता चल गया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो फखर को फेस करना चाहिए था ना, इफ्तिखार से करा दिया, इफ्तिखार को आपने ये सोचे। इतने प्रेशर में थे कि गैरी क्रिस्टन भी ऑफ लग रहा था, वो आज उसने बड़ी क्लास ली है खिलाड़ियों की, बहुत क्लास ली सर आज लिए ना मैच, कल हार गए यूएसए से मैच हार गए, आज का दिन है ना वो दिन में वो जो भी है मतलब नेक्स्ट डे ली उसने, मगर मैच आप हार गए और अमेरिका से हारे, हार जीत का मसला नहीं, क्रिकेट तो अच्छी खेले। आपकी सुपर ओवर में फील्डिंग कवर पे शॉट लगाए, वो कैजुअल आया, उन्होंने हाथ में से दो रन ले ली और मैंने अपनी लाइफ में सामने हिट पे तीन रन नहीं देखे, वो भी फास्ट बॉलर पे, स्पिनर पे फिर थोड़े वाइड होते हैं, तीन रन बन गए, उन्होंने भाग के तीन रन ले लिए मिडॉन पे जो भी था, मैं कमाल सीधा कैच आपसे गिर गया, दो कैच गिरे, टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच कल उसने पकड़ा रिजवान का और टूर्नामेंट का सबसे आसान टेलर ने पकड़ा, सही है। उसके बाद इफ्तिखार के पास से जो बॉल गई है ना, कहने को जी मुश्किल था, आप गए ठीक है, अब उनका भी तो प्लेयर गया रिजवान को ले गए ना आपको, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी। 34 बरस की उम्र में इफ्तिखार अहमद ने कोशिश नहीं की, हालांकि लोग कहते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन भारत उनको चाचा कहते हैं लोग क्रिकेट में। इस वक्त एक कॉलर, प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, और आपके देखने वालों को भी, एक्सप्रेस न्यूज को भी देखने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम, कौन सा, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं उस्मान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी उस्मान, क्या कहना चाहेंगे? सर कहने को तो माशाल्लाह बहुत कुछ है, पहले तो आप स्टार्ट कहां से करें और इख्तिताम कहां से करें, कहां तक सुनाए? तो सर इकबाल भाई बस माजरत है आपकी, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है, बड़ी देर से लोग कॉले मिला रहे होते हैं। बस ये कम अज कम जो चार पांच प्लेयर है माशाल्लाह, आपको पता ही है नाम क्या लेना है, आपके फखर से तो यार जान छुड़ा दें, फखर से भी जान छुड़ा दें, या इमार से भी जान छुड़ा दें, यार यासर से, ये जो अपने मोहम्मद आमिर भाई है उनसे भी जान छुड़ा दें, वो जो आजम खान है उनसे भी जान छुड़ा दें यार, ये को खुदा का खौफ करें। ये शदाब का तो मैं भूल गया, सॉरी यार शदाब का मैं भूल गया। पांच हो गए टोटल, पांच आपने नाम, पांच वैसे तो थोड़ा एक दो का ज्यादा इफ्तिखार का भी है। अब यार इनसे आप T20 खिला रहे हैं, आजम खान भाग नहीं सकता। अगर आपको मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेके जा सकता हूँ, इकबाल भाई को लेके जा सकता हूँ, इसलिए कि आपको पता कि इंजमाम से फील्डिंग नहीं होती थी, दानिश कनेरिया से फील्डिंग नहीं होती थी, अगर आपको याद हो मोहम्मद यूसुफ ने, हाँ जी इसी वजह से मैं ये, हाँ तो जब आप 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट की क्रिकेट को अगर आप मल्टीप्लाई आज के T20 से करते हैं तो यार ये तो बेस्ट साइड आपकी होनी चाहिए थी। ठीक है ठीक है उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से कॉल किया। उस्मान कह रहा हूँ वाकई में लोगों के जज्बात बड़े ही, जैसे मैं तो बड़ा डरा हुआ था, लंबी लिस्ट होगी, ये तो पांच पे रैप अप कर गए और 15 में से पांच। ऑनेस्ट बात की जाए, इंजी भाई हमारे ग्रेट्स हैं और इसमें कोई डाउट नहीं भाई, जब वो स्लिप पे भी खड़े होते थे ना तो बॉल नहीं जाती थी, उनके पास क्या चाहता था वो पकड़ते थे। तो इफ्तिखार भाई इसके पास से क्यों चली जाती तो है? ये पूछना, ये होना चाहिए ना। और आप, आपकी कल मैच में दो कैच गए और वही दो कैच भारी पड़ गए, आपको याद होगा सुपर ओवर में शॉट लगाए और उससे कैच गिरा, उसके बाद उसने छक्का मारा है, सुपर नहीं लास्ट ओवर में कैच ड्रॉप हुआ है, उसके बाद छक्का लगाए, कैच ड्रॉप होने से पहले नहीं लगाए, उससे पहले वो जो स्लिप पे छूटा था वो अलग। अगर आप बोले जो हाथ में आएगा वो कैच है भाई, दुनिया कहीं और जा रही है। स्टीफन टेलर का कैच देखा उसने, बिल्कुल राइट साइड पे। अगर इकबाल भी देखा जाए ना टूर्नामेंट में हमारी, अभी हम एक ही मैच खेले, फील्डिंग में फील्डिंग जो थी वो वहां पे दिख गई, मतलब आपको इतना आइडिया नहीं है कि ये ग्राउंड की आउटफील्ड स्लो है तो बाउंड्री से चार चार पांच पांच आगे रहते हैं आगे, फिर जो बड़ी रेंज के शॉट होते हैं ना उसके अलावा जो बाकी डीगर फील्डर होते हैं ना, ये सेंस होते हैं गेम अवेयरनेस कि आप इधर बड़ी हिट नहीं मार सकते तो ये तीन चार कदम आगे रहेगा, मिड विकेट मिड ऑन स्क्वायर लेग बड़ी हिट लगती है तो इसपे ऑन द लाइन आते हैं, ये कॉमन सेंस है। आगे के ये तो पीछे इंतजार कर रहे थे, मिड ऑन वाले ने तीन रन बनवा दिए, कवर वाले ने दो रन बना दिए, रिजवान ने बिला वजह थ्रो फेंक दी,
क्यों फेंकी? इतने सीनियर हो, इतने समझदार हो, कप्तानी की लाइन में लगे हो, मोस्ट रन्सो में नाम आता है, आपको इतनी सेंस नहीं है? आमिर ने जिसने सेकंड लास्ट ओवर किया जड़ में पूरी बॉलिंग की, बहुत अच्छा ओवर किया और उसकी वजह से मैच जो था समझ लीजिए वापस मैच में उसकी वजह से है। लेकिन उसने जो प्रॉपर मैच था ना उसके आखिरी तीसरा ओवर और चौथा ओवर उसने टोटल 8 रन दिए। आखिरी ओवर उससे गंदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है गंदा हुआ है, मगर वो मैच में लाया वही है, मैच जा चुका था, आरएस ने आउट किया, उसके बाद उसने अगला ओवर 4 रन का किया, उसके अगला ओवर में एक आउट किया, 4 रन का किया, 8 रन दिए। और सुपर ओवर में क्या किया? सुपर ओवर में गंदी बॉलिंग हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यार आमिर जैसा तजुर्बाकार, मुझे तो थका हुआ लग रहा था, फटीक थी, मुझे लग रहा था थके हुए थे। देखें आप जान मार रहे हो, फिर 4 साल के बाद आप आते हो, इंटरनेशनल का प्रेशर कुछ और है, आप जितने भी मेंटली टफ हो प्रेशर होता है, लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क यही है सर। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा सब, क्या हाल चाल है? मुंबई क्या हाल चाल है? कहाँ से? हाँ जी, ये सवाल करना है कि ये कल जो हमारे जो ट्रेनिंग करने वाले हैं उन्हें ओपनिंग पे सुपर ओवर में भेज दिया है इश्तहार को, और फहर को दूसरे एंड पे भेजे, 6 बालें थी, ठीक है, 6 बालों पे इश्तहार को सामने खिला दिया जो 15-16-18 रन करता है। इसी पे लोग एतराज कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? रिजवान है, रावलपिंडी से। जी रिजवान साहब, इसी बात पे लोग एतराज कर रहे हैं कि आखिर हैरान है, हम भी हैरान है, खुर्रम मंजूर भी हैरान है कि जब आप लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं नेटरवालकर, और मजे की बात है 2010 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था यही नेटरवालकर था, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप बाबर आजम भी खेला और यही था कि जिसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, फिर उसके बाद ये इंडिया चला गया, वहां पर ये क्रिकेट खेलता रहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, सिलिकॉन वैली आ गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, अक्ल वो हीरो बन गया। चलें आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए अगर फखर जमान के लिए ज्यादा आसान नहीं होता? मेरा ये सवाल है सर के इकबाल भाई, अगर इन केस बोल रहा हूँ, अगर इफ्तिखार ने आपसे स्ट्राइक मांगी भी थी तो आपको बोलना चाहिए था फखर आप बच्चे नहीं है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मुझे इजी पड़ेगा, मेरे को बॉल अंदर आएगी क्योंकि नया बॉल नहीं है, जो 20 ओवर सेकंड इनिंग में इस्तेमाल हुआ तो वही बॉल दोनों इनिंगों में इस्तेमाल हुआ है, तो ये गेम अवेयरनेस की बात है ना, कहां गई थी इतना पैनिक? और आपको मैंने थ्रू आउट मैच में दिखाया उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं पैनिक बटन नहीं दिखाया, वो बड़े पुरसकून थे, इवन आखिरी ओवर में जब रन नहीं शॉट नहीं लग रहे थे तब भी वो पैनिक नहीं था कि बल्ले इधर मार रहा है झुंझुला रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, सुकून से क्यों? मैच प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, वो मेंटली भी बड़े नेट से। आप जितना कर लें परफेक्शन मैच में ही आती है, आप आउट हुए ना तो ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, नेट में आप 36 दफा आउट हो 37 दफा आप बोलते हैं ये शॉट गैप में गया, तो उनकी मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि उनकी हफ्ते में जो 6-5 मैच खेलने की प्रैक्टिस है ना डिफरेंट स्टेट्स में गंदी पिचेस पे आस्ट्रो पे कारपेट पे, वो उनको पे बैक कर रही है, ये स्टैंडर्ड है, हमें क्या कर रहे हैं पे बैक? देखें टीम सिलेक्शन गलत हुई ये आप माने, 15 गलत सिलेक्ट हुए वो माने, 18 गलत सिलेक्ट हुए वो माने, 18 में से भी आपने फिर भी चांस था, आपने सलमान अली आगा को घर भेज दिया, क्यों भेज दिया? आप अबरार को नहीं खिला रहे आप, ये एक सवाल है इकबाल भाई आपसे, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, उनके 8 ओवर स्पिनर ने किए, हमारे मेन स्पिनर 3 ओवर भाई और एक हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं चाहिए आपसे रन, आप बॉलर हो, आपके बॉलिंग बचाने के लिए कप्तान आपको बचाने के लिए इफ्तिखार से बॉल करा रहा है, 3 ओवर में 27 रन दिए, एक्सपोज हुए हैं, एक्सपोज हो रहे हैं कि ये शादाब को बचाने के लिए इफ्तिखार को लाया, उसने उस ओवर में 10 खाए और अभी उसकी हिट नहीं लगी है, उसने ट्राई 6 की 6 गेंदों पे की थी एरन जोन्स ने, हाँ वो उसको पता था, देखें उनकी बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट दिख रही थी, आप बिल्कुल ऑफ हो गए थे जब आप पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? आसिफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? बस यही क्रिकेट पे ही बात चल रही है, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं मुसलसल, तो यही चाह रहे हैं कि इस टीम में कब बेहतरी आएगी, कौन सा वर्ल्ड कप, कौन सी उम्मीदें कहाँ से हम लोग लाए, और खास तौर पर इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका जैसी टीम जिसमें कोई मतलब परमानेंट प्लेयर भी नहीं है, कोई कहाँ से कोई कहीं से कोई इधर से पार्ट टाइम, उस जैसी टीम से भी हमारी टीम मुकाबला नहीं कर पा रही,
कोई मतलब मैच ऐसे लग रहा था वन साइडेड हो गया। और आसिफ साहब मजे की बात है, उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, हमारे प्लेयर्स को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लाखों रुपए महाना मिलते हैं बोर्ड की तरफ से, उसके अलावा लीग्स के लिए उसके अलग पैसे, फीस मैच की फीस टी ट्वेंटी खेले उसके अलग पैसे, पीएसएल के अलग पैसे, टेस्ट के अलग पैसे, वनडे के अलग पैसे। जी यही बात करना चाह रहा हूँ, और इस चीज पे ये कब बेहतरी लाएंगे, और ये खास तौर पे जो एक एक टीम में दो दो विकेट कीपर खेलना, जिनकी कोई मंतक ही नहीं है, जिनका कोई मतलब जीरो पे आउट होना लास्ट प्लेयर, तो ये मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन, इस वक्त बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आपके बाहर बैठे हुए सही, जो कि इनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैनेजमेंट के तो बादशाह बहाब रियाज साहब है ना, आपको पता है कि वो सब कुछ वही सारे शॉट्स खेल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब इस्लामाबाद से, आप क्या कह रहे थे? सर इनकी बात का जवाब मैं देना चाहूंगा, और इस तरह देना चाहूंगा कि ये वो भोली पब्लिक है, ये वो भोली अवाम है, ये वो स्पोर्ट्स नेशन है जो कल बन जाती है, कल को अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया को हराए, हाँ जीत जाएगा तो सब भूल जाएंगे, यही पाकिस्तान की पब्लिक होगी, बोलेगी हमें वर्ल्ड कप मिल गया। ये कहने का मकसद नहीं है हम इनको डिग्रेड कर रहे हैं, आपकी सिलेक्शन से लेके प्लेइंग 11 तक सब कुछ गलत है, डाउटफुल है, ये बेहतर टीम है, आप खिलाओगे तो अबरार क्यों बैठाया हुआ है, अगले दो स्पिनर अमेरिका में रह के वो दो स्पिनर से जा रहे हैं, और आप जा रहे हैं तीन एक स्पिनर से, वो भी आप समझ रहे हैं वो स्पिनर है, अब उसकी जिप नहीं है, नहीं है, अबरार को खिलाएं, बोल रहे हैं पहले दिन से बोल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, मुझे लगता है खिलाएंगे, और अगर वहां पिटाई होगी तो फिर वो ये कहेंगे कि देखें हमने तो सब शोर मचा रहे थे, हमने खिला लिया, अब क्या हुआ। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगाने में खुश आमदीद कहते हैं। वाकई में जोश तो कल ठंडा हो गया, लेकिन इतवार के दिन एक मरतबा फिर जोश जागेगा जब पाकिस्तान भारत के मध्य मुकाबले होगा न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि पाकिस्तानी टीम के बारे में लोग बात कर चुके हैं कि वहाँ 2 जून को डैलस में एक डिनर हुआ कव्वाली नाइट, और उसमें टिकट्स बिके $25-25 के, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गए चले। अब एक और डिनर होना था आज 7 जून को न्यूयॉर्क में, लेकिन कल अमेरिका ने इस डिनर पर पानी फेर दिया, और अमेरिका ने पाकिस्तान को चूंकि हरा दिया, इसके पोस्टर्स भी थे कि आज कहा जा रहा था कि गाला डिनर होगा जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान हार गया और किस मुंह से क्रिकेटर जाते इसलिए इस डिनर को मंसूख कर दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आई, उस्मान खान साहब कॉमेडियन बने हुए थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चश्मा लगाए हुए थे, रात के वक्त वो धूप वाला चश्मा, दिन के वक्त या रात के वक्त वो कह रहे थे कि शाहीन आफरीदी से उन्होंने चश्मा लिया, और बाबर आजम उनकी वीडियो बना रहे थे, पीसीबी के जो मीडिया मैनेजर थे रजा राशिद वो वीडियो बना रहे थे, सब हंस रहे थे और हंसी मजाक हो रहा था, और मतलब क्या कॉमेडी करने गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स? खुर्रम इस तरह हंसी मजाक होता है खिलाड़ियों के दरमियान? होना चाहिए, लेकिन फोकस भी रहे ना, आप अभी आए हो, मैं हम अगेंस्ट नहीं है, मैं खुद इस टीम का पार्ट रहा हूँ। कभी बाबर को आपने इस तरह की वीडियो बनाते हुए देखा है आपने? खुद कर रहा हो, मतलब एक सवाल है, खुद तो नहीं कर रहा, बड़ी स्ट्रगलिंग के बाद वहां पहुंचा है, और लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे वो क्रिकेटर कम कॉमेडियन ज्यादा लग रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, आमिर भाई ने 29,000 की शर्ट पहन ली, मेरे को 2 दिन नींद नहीं आई, सब हंस रहे, और वो वीडियो वायरल की है सबने, वो पीसीबी का मीडिया मैनेजर बना रहा था वीडियो। मैं हैरान ये हूँ, आप भाई आप बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हो, थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, आप पे वैसे सवाल उठ रहे हैं, इंटरनेशनल में कुछ नहीं कर रहा, 3 टूर हो गए, इसको निकालो उसको दो, आप अल्लाह करके टीम में गए, और वहां आप जी वो यूं बजा के कप को मुतवज्जा, ये पूरी स्क्रिप्टेड तरीके सब जमा है, ऐसा लगा कोई मदारी का तमाशा हो रहा है कोई। मैं हैरान हूँ, आपको समझ नहीं है, आप बच्चे हो, आपका कैरी भाई, आपके घर वाले आप पे हैं भाई, उनको कितना अफसोस हो रहा होगा, ये सोचने की बात है, कॉमेडी कोई कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है। जो सुपर ओवर में 2 रन बने वो गेंद उस्मान खान के पास गई थी, मैं कवर और इतने कोई कैजुअल आए, उसकी सिंगल तो छोड़े, उन्होंने सिर्फ इसकी बॉल को पिक करने की मूवमेंट चेक की और दूसरा रन ले लिया। सही, कल इतना प्रेशर में थे, और जो 3 रन सामने बने, कवर पे 2 बने, रिजवान की मिस थ्रो, मतलब 7 से 8 रन तो सिर्फ वो ओवर थ्रो के थे। जादू तो नहीं कर दिया था कोई, हिप्नोटाइज हो गए बाल भाई, क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं, अफसोस हो रहा है,
अफसोस हो रहा है पाकिस्तान हारा है, पूरे पाकिस्तान को इतना गुस्सा है और सब ये बोल रहे हैं भाई हार जीत एक गेम का हिस्सा है, मगर आपको उन्होंने बताया कि आपका लेवल कहाँ है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मिर्जा साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कौन सा बात कर रहे? जी जी मैं डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। आपकी पहले भी कॉल लगी थी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? कल भी लगी थी डॉक्टर मिर्जा साहब, बस क्रिकेट से इंटरेस्ट है, खेलते भी रहे हैं पूरी उम्र, बचपन से लेके आज तक देख भी रहे हैं। मैं हुई 64 इयर्स का हूँ, लेकिन अब ये गम और दुख सहने की ताकत नहीं रही कि यार हम अमेरिका से भी हार जाएं। तो मिर्जा साहब ये खुरम साहब और आप ये बताइएगा जरा कि ये जो लोग पहले अच्छे अच्छे उम्र रसीदा तजर्बाकार सिलेक्टर्स हुआ करते थे, हमारे पास उनकी कोई कमी है क्या? राशिद लतीफ बैठे हैं और कितने अच्छे लोग बैठे हैं। तो ये वहाब रियाज साहब को अभी उनने क्रिकेट छोड़ी, अभी लाके उनको सिलेक्टर बना दिया है, और सरफराज कितना अच्छा जा रहा था T20 के, हम चैंपियन थे कितने सालों से, उसको निकाल के परे फेंक दिया बेचारे को, और अब ये सारे लेकर आ गए हैं एक दूसरे के दोस्त और दोस्तियां निभाए जा रहे हैं। तो हमारी मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं एक दिमागी स्पेशलिस्ट हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, मिर्जा साहब मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे मुल्क के लोग वैसे तो बहुत दुखी हैं बेचारे, उनका कोई हल तो है नहीं हमारे पास, लेकिन कराची से खैबर तक कौम एक हो जाती है सिर्फ क्रिकेट में। तो यार उसमें तो हमें कुछ खुदा के लिए थोड़ा बहुत खुशी दे दो भाई, प्लीज ये बात जरा बताइए। एक और बस आपको आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं, आपने प्रोग्राम देखा ना, एक और सिलेक्टर है अब्दुल रज्जाक, वो टेप बॉल क्रिकेट से अमेरिका में टेप बॉल क्रिकेट खेल ले, उनकी सिलेक्टर मैं जानता हूँ, सात रुकनी पूरी कुमेर जो कमेटी है, रजाक साहब खुद अपने पुराने जख्म इनको सिलेक्ट नहीं किया जाता था, वो बड़ा जबरदस्त राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि यार जो लोग अभी अभी छोड़ के हटे हैं उनको सिलेक्टर मत बनाओ, पुराने पुराने लोग बैठे हैं यार, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। सही कह रहे। तो ये प्लीज रिक्वेस्ट ये यार किस कौम को थोड़ी सी खुशी तो लेने दो, कराची से पिशावर तक ये थोड़ी खुश हो जाती है, बाकी काम तो चलो हम सह रहे हैं। चले बहुत बहुत प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ अवान साहब इस्लामाबाद से आपने कॉल की, खुर्रम बात तो बड़ी जेन्युइन कर रहे थे वो। आप ये बताएं कि जैसे अगर सर जितने कॉलर आए इकबाल भाई सभी जेन्युइन बात कर रहे हैं, हम भी आप भी जेन्युइन कर रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं दिख रहा ना, असर नहीं हो रहा किसी पे, असर नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही, बात सारी ये है कि खुद अपनी अपनी इज्जतों के लिए खेलो यार। हम नहीं बोल रहे आप लोग नहीं खेल रहे हो, मगर भाई पाकिस्तान के लिए खेल लो, पाकिस्तान से ना खेलो, पाकिस्तान के लिए खेल लो। एक प्लेइंग 11 में आपको अबरार नहीं दिख रहा, मैं सवाल है सर 4 ओवर में से उसने 2 ओवर किए, वो भी अल्लाह करके निकले, तीसरा ओवर अपने मजबूरी में करवाया, 15वां ओवर जब मैच इधर उधर होना था, क्योंकि 5 बॉलर थे आपके पास टोटल, कमाल हो गया। मतलब आप इतना कोई इस चीज को हाईलाइट ही नहीं कर रहा, उनके 8 ओवर स्पिनर्स ने किए, हमारे 4 ओवर किए स्पिनर्स ने, जिसमें से 1 ओवर इफ्तिखार से करवाया गया कि वो फंस रहा है, जब उसने देखा सारे ऑप्शन खत्म हो गए, उसको सेव करने के लिए लेके आए, जबकि उस टाइम फास्ट बॉलर का बनता था, अनफॉर्चुनेट उनकी हिट नहीं लगी सिवाय एक छक्के के, वरना उसी ओवर में उसने 2-3 छक्के मारने थे। स्ट्रेटेजी मिलके नहीं प्लान की जाती क्या? वो गैंग 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तानी टीम के साथ, 15 रुकनी टीम है, 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है, बाबर के आगे नहीं चल रही ना, बजायर तो यही दिख रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई साबित कर दे, लाइव चैनल पे बोल रहा हूँ, लग नहीं रहा ना कि बाबर के आगे चल रही है, वो भी सारे शॉट्स वही खेल रहा है, वो भी आके सुकून से बैठ गया, चश्मे को यूं कर रहा है, वो दिख रहा है, वो गोरा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तनख्वाह मिल रही है, उसके लिए एक ही असाइनमेंट है, कम्प्लीट हो गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, घर चला जाएगा। बासल तो ये, एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मिर्जा साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। कौन साहब? आकाश लखानी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी लखानी साहब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ऑब्वियसली पूरी कॉम के साथ वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता है कि कल हम अमेरिका से खेल रहे थे यार, वो पहले भी मैंने आपकी एक कॉल सुनी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जिसे 37 में से 29 मैचेस जितवाए सरफराज अहमद ने अपने T20 चैंपियनशिप में, उस बंदे को जैसे ही नया चेयरमैन आता है हमारे पास पूरी टीम चेंज कर दी जाती है, 4 मैचेस के बाद हम कैप्टन चेंज कर देते हैं, और सॉरी टू से मोइन खान का बेटा, मुझे कहना पड़ रहा है सॉरी टू से, बट ही इज नॉट अ फिट फॉर क्रिकेट, क्रिकेटर एथलीट होते हैं, आपके सामने खुरम भाई बैठे हैं देखे ना, इज नेशनल फिट हैं वो, पीपल लाइक हिम शुड बी इन द टीम जो खेल रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हमारे आगा सलमान को उन्होंने पीछे रखा हुआ है रिजर्व में रख के, और आजम खान जैसे लोग जिसको जिससे झेला जाता नहीं है, और मुझे कैप्टन की भी स्टेज की समझ में नहीं आती, बाबर आजम साहब जो फाइनल बॉल है आप बकअप करो अपने बॉलर को, बाउंड्री चाहिए उनको, दे नीड 5 रन, तो 4 से पहले तो टाई भी नहीं हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इट वाज लुकिंग लाइक कि वो किसी इंडिया से या बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, दे वर ऑल इन प्रेशर,
क्या है इसका मिर्जा साहब, मुझे तो क्रिकेट का आश्चर्य भाती वाला नजर होता हुआ आ रहा है हमारा। तो राकांत साहब मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, अब इंडिया से खेल नहीं रहेगा, अब इतवार को खेलेंगे इंडिया से। आई नो दैट, बट मतलब इन हालों से क्या हम उम्मीद रखें, हम दुआएं कर करके थक गए हैं। चले दुआ में असर होता है ना, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है, वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना। चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें डॉक्टर लखानी ने कॉल किया, आप सुन रहे हैं लोगों के, और लोग मतलब उनकी नॉलेज भी है वो सर, इनकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूंगा, ये कप्तान बार बार नहीं हट रहा है, ये चार साल से यही है, सिवाय शाहीन को वो तीन मैच के लिए जो बनाया था। हाँ, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से सरफराज को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, चल रहा है और ये 24 चल रहा है, और मिसबाउल हक हेड कोच बने थे उसका, और ये थोड़ा चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, सब कुछ थे मिसबाउल हक, उनका डिसीजन था ये है? और कप्तानी कल तो इतनी बुरी हुई है, कप्तानी में वैसे भी क्वेश्चन मार्क्स थे, कल तो बहुत ज्यादा ही हुई है, 15वां ओवर शादाब से करवाना, फिर आपने स्ट्राइक लेने के लिए तो बात तो करते हैं, पैनिक बटन अगर टीम का दबा था, आप तो कप्तान हो, कोच भी पैनिक, कैप्टन भी पैनिक। लेकिन कल आपने एक चीज नोट की कि पाकिस्तान ने, हालांकि आपने सही कहा कि नाम दे देते हैं कि भाई तीन बैट्समैन हमारे जाएंगे, एक बॉलर ये हमारा बॉलिंग, लेकिन कल आपने देखा कि देर से पाकिस्तानी ओपनर, जो इन चीजों की प्रिपरेशन होती है प्रैक्टिस में, याद होगा एक सिनेरियो हुआ था हेड बॉल का, इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की हुई थी, उनके क्लिप्स हैं कि हमने प्रैक्टिस में ये सेशन किए हेड बॉल का, देख रहा था जो मैं खुद वहां मौजूद था, डरबन में मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, टाई हो गया, वो हरभजन सिंह हिट कर रहा था स्टंप्स को, हमारे उमर गुल और दूसरे स्पिनर जो थे नहीं कर पाए, शाहिद आफरीदी नहीं कर पाए, इससे अंदाजा लगाएं कि अगली टीमें हर चीज को तैयारी कर, हम लोग सामने नहीं की थी, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हम इन सुपर ओवर में जाएंगे, सुपर ओवर तक जाएंगे। सही, एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? बार भाई क्या हाल है, जाहिद खान बोल रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। जी डेरा इस्माइल खान से, मौलाना फजलुर रहमान के इलाके से। जी जी, मैं पिछली दफा में मैंने फोन किया था, मैंने आपसे कहा था कि कनाडा यूएसए की टीम जो है वो उसने 194 रन चेस किए हैं, तो हमारे पास तो ऐसा क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है जो उसको रोक सके। शादाब है हमारी टीम के साथ, शादाब नहीं है जाहिद साहब हमारे पास। अर शादाब ने क्या किया है, सिर्फ 7 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 2017 से। वो तो ठीक है, देखें अगर नाम खेलते ना नाम, तो फिर इमरान खान भी खेल रहे होते हैं, माजिद खान भी खेल रहे होते हैं अभी तक, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सुपर ओवर में इन्होंने गलती की है, क्या ये सब नहीं है, बच्चे तो नहीं है ये सब। सही कह रहे हैं आप, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ठीक है ना। सुपर ओवर में इन्होंने उसको क्यों, जो हमारा लेफ्ट हैंड है फखर जमान, उसको इन्होंने क्यों नहीं स्ट्राइक दी, ये इन्होंने इफ्तिखार को भेज दिया। उनका दिमाग माउफ हो चुका था ना, दरअसल बहुत परेशान थे, कुछ फैसला करने की ताकत खत्म हो गई थी उस वक्त। जी जी जी, यही मैं कह रहा हूँ ना, तो इनके हवास इनको अपने कायम रखने चाहिए ना, ये तो इंटरनेशनल मैच हो, हम तो ये कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक जीत हुई है यूएसए की। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसको आईएमएफ की तरफ ना ले जाइएगा, लोग कह रहे हैं कि आईएमएफ ने कहा था हार जाओ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो तो मजाकन कह रहे थे। खुर्रम आपने सुना कि वो हर आदमी यही बात कर रहा है कि यार क्या, अब मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि तीन नाम देने होते, दो मतलब जो बैटिंग करने आएंगे, इतनी देर के बाद आप शायद कमेंट्री सुन रहे हो, कमेंटेटर कह रहा है ये क्यों डिले क्यों हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आपके ओपनर जो है निकले। इकबाल भाई आपने जिस चीज की वो बोलते नहीं, इम्तिहान में आप जाएं और उस सवाल की तैयारी ना, और वो सवाल आ जाए, हाँ, तो ये कल वही हुआ है, हाँ, आपने सोचा भी नहीं था कि हम सुपर ओवर भी खेलेंगे और कौन जाएगा, हाँ, कोई तैयारी नहीं इस, हाँ, चीज की, ये तो कल दिख गया। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, जो दिखा वो बता रहे हैं, कोई तैयारी थी नहीं, ठीक है। पैनिक बटन एक अपना मशवरा दे रहा, अच्छा जो जो अपने आपको सीनियर कहते हैं जबरदस्ती के, वो भी आ गए, यूं कर लो, आपने क्लिप देखी होगी, देखी है, 6-7 बंदे इकट्ठे हो गए थे, कप्तान कोच एक तरफ आए, बहुत हुआ वाइस कैप्टन, क्योंकि माशाल्लाह हमारे वाइस कैप्टन अनाउंस ही नहीं किया, हाँ, कोई नहीं है, बाबर आजम अकेला, हाँ, काफी वो है, वो अकेला काफी है, तो वो वही चल रहे होल इन सोल, तो उन्होंने देख ला आपने डिसीजन क्या लिया, क्या चल रहा था भाई, स्ट्रेटेजी होती है, आपने फेस करना है, आपने ये करना है, वो कुछ नहीं था। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। कल पाकिस्तान न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करेगा और तनकीद बहुत हो रही है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं हो रही, तनकीद बराए इसलाह हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम शॉट्स जो है वो वहाब रियाज खेल लें, जो कि सीनियर मैनेजर है, सेलेक्टर भी है। वो तो शुक्र है उनको अनाउंस नहीं किया चीफ सेलेक्टर, वरना उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बाएं जाने मोहम्मद यूसुफ को बिठाकर टीम भी खुद ही अनाउंस कर दी थी और फिर यूसुफ की इनपुट ली। और लग ये रहा है कि चूंकि पीसीबी के चेयरमैन मसरूफ हैं तो वहाब रियाज जो है वो अपने आप को डिफेक्टो चेयरमैन समझने लग गए। आपने शायद पोस्टर देखा होगा जो न्यूयॉर्क में गाला डिनर हो रहा है, उसमें टीम की तो तस्वीरें हैं ही, क्रिकेटर की, वहाब रियाज की भी तस्वीर है। माजी में ऐसे लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे हैं कि जिनकी एक अपनी रिस्पेक्ट थी, नवीद अकरम चीमा, यावर सईद, हसीब अहसन, ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, अब्दुल रकीब, इकबाल कासिम भी असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत सारे ऐसे लोग रहे कि जिनकी एक इज्जत, जिनका एक मकाम था। लेकिन चूंकि वहाब रियाज साथ साथ खेले खिलाड़ियों के, तो उनमें, और फिर वो आपने शायद उस्मान खान की वीडियो देखी हो तो वहां पर खड़े हुए वीडियो भी बनवा रहे हैं और अपने तासुरात का भी इजहार करें। खुर्रम, आप इस बात से कितना इत्तफाक करते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हुआ है और उन खिलाड़ियों के साथ खेला है एक आध साल पहले तक, और वो अगर किसी हेल्म ऑफ अफेयर पर आ जाए तो क्या खिलाड़ी जो है वो उनके साथ, उसका चूंकि बहुत ज़्यादा तालमेल होता है, मेल जोल होता है, तो वो बेहतर होता है क्रिकेट के लिए? नहीं, जो मुझे सुनने में आई थी कि बोर्ड की ये इस दफ़ा स्ट्रेटेजी थी कि जो नई नई क्रिकेट जिन्होंने छोड़ी है, बिल्कुल रिटायरमेंट ली है, और उनको लाएंगे क्योंकि वो ग्राउंड से एकदम आए तो उनको ज्यादा इस चीज का है। हफीज को भी तो लाए थे ना? नहीं, बोर्ड की जो लग रही है, ये मेरा तो डिसीजन नहीं है, तो ये उनकी अप्रोच लग रही थी कि शायद बेटर होगा, इसलिए असर शफीक को अप्रोच किया गया। नहीं, नहीं, मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ, इतने आपने क्रिकेट खेली है। जी जी, बिल्कुल रहा है आपके साथ ऐसे। मैं रकीब सर की मैनेजरिंग में, इंतखाब भाई, इंतखाब आलम जैसे थे, और एजाज नाम है उनका, क्या जो थोड़े से हेल्दी से थे, जिनका इंतकाल हो गया, एजाज यूसुफ नाम मुझे पूरा नहीं है, तो एजाज बट चेयरमैन एक तो थे, नहीं, और नहीं, नहीं, एक एजाज यूसुफ, हाँ, उनकी उसमें भी मैं खेला हूँ। ये दो तीन मैनेजर थे, फिर मेरे ख्याल से एक में वकार भाई के साथ इन्होंने रखा था असिस्टेंट है इसको, इनको जो एनसीए में भी थे कोच, अच्छा, शाहिद असलम, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बाकायदा इतने फर्मा बरदार है, इंग्लैंड में मैंने देखा कि वो खिलाड़ियों के बच्चों को भी एंटरटेन करते हैं, ऐसे आदमी को चाहिए होता है। आपने बात एंड कर दी, ऐसे आदमी की जरूरत होती ना, मैं तो सच सच बता रहा हूँ। आपके पास रिपोर्ट होगी तो बोलिए, गुनाहगार आंखों ने लंदन में देखा है, वो लंदन को डबल, इनको लाने वाले बेसिकली वकार भाई थे, उनको हेल्पर चाहिए था एज ए हेल्पिंग हैंड, तो वो अभी मंसूर राणा मैनेजर है। मंसूर राणा चार साल से मैनेजर है, 2019 के वर्ल्ड कप में भी था, पाकिस्तान के लिए वनडे खेला है। रेहान भाई नहीं आ गए थे बीच में? नहीं नहीं, वो थोड़े अरसे के लिए, अच्छा, रहे, लेकिन मंसूर राणा जो वो खेला है, राणा फैमिली ताल्लुक, समझदार आदमी है, लाहौर कलंदर्स के साथ भी है, उसके होते वो भी है टीम के साथ, और मंसूर राणा के होते हुए वहाब रियाज उनके ऊपर सीनियर मैनेजर है, ये कहीं देखा है आपने? तो बस वो कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे कि मैं टीम के साथ रहा हूँ तो कोई ओहदा डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आप सिलेक्टर भी हैं, फिर टीम के साथ कैरी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डेजिग्नेशन देनी कल को ये चाहेंगे कि मैं भी किट करके मैदान में उतर जाऊँ तो उतार देंगे हम तो। खैर, ये तो अपनी मर्जी है। शाहिद भाई ने नहीं बोल दिया था टीवी पे ही ड्राफ्टिंग के दौरान के वहाब रियाज के मुझे बहुत फोन आ रहे हैं कि मुझे लाजमी पिक करिएगा, और वो फिर पिक हुए और उन्होंने फिर विदड्रॉ कर लिया नाम जब ड्राफ्ट बन गए थे ना, इसलिए। लेकिन तो, ये वो मार्च तक लास्ट ईयर तक खेले, लेकिन खुर्रम इसमें थोड़ा सा एक गैप तो होना चाहिए ना, गैप होना चाहिए ना, इस बात को। नहीं, इसमें कोई दौरा नहीं, मैनेजरिंग बिल्कुल एक अलग शोभा है, आपको ऑर्गेनाइज करना होता है पूरी फैमिली को, हाँ। आप 30-40 लोगों को आप कैरी करते हो, वो आपके सर पे होते हैं, उनका बिल्कुल रोल अलग होता है, वो एक बाप का रोल अदा करता है मैनेजर जो होता है, कोई तकलीफ होती है आपके पास प्लेयर आएगा, ऑफिशियल आएगा, कोई भी चीज हो वो आपके थ्रू चलेगी, तो एक उसका एक करेक्टर जो होता है चाहिए, गैप भी होना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल सीनियर हैं तो फिर लोग आपकी इज्जत करेंगे, अगर आप साथ खेले हो तो लोग कहेंगे यार मजाक आपके सामने हो रहा है। बिल्कुल, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं हैदराबाद से सिद्दीक अकबर बात कर रहा हूँ। जी सिद्दीक अकबर साहब, क्या पूछना चाहेंगे जी? मेरा सवाल ये है कि कल जो पाकिस्तान और अमेरिका का मैच हुआ है,
अव्वल तो स्कोर बहुत कम था, लग रहा था जैसा अमेरिका की टीम खेल रही थी, लेकिन सुपर ओवर में जैसा उन्होंने भेजा है फखर को, और फखर की तो बैटिंग आई नहीं, अगर ये बाबर रिजवान आ जाते तो क्या बेहतर नहीं था? और ये एक मेरा एक सवाल ये है कि जैसे एक पहले कॉलर ने बात की कि इतने टीम को मुआवजे वगैरह दिए जाते हैं, तो हुकूमत कहती है कि बजट नहीं है, गरीब मुल्क है, तो क्या खिलाड़ियों के लिए इतने मुआवजे देने के लिए है उनके पास? इससे कोई ताल्लुक नहीं है, दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिद्दीक अकबर साहब खुद मुख्तार इदारा है, आईसीसी फंडिंग करता है, अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिक्स डिपॉजिट में जमा है, हुकूमत से एक पाई नहीं लेते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, तो इसलिए वो गलत है। और आपने जो पहली बात की कि भेजना चाहिए था, आपको याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम सुपर ओवर में इनिंग्स ओपन करने चले गए थे रावलपिंडी में, शायद आपको याद हो, पाकिस्तान हार गया था। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आपको याद है खुर्रम पिंडी में बाबर आजम चले गए थे 3-4 साल। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, उनको ऐसा लगता है, उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर जो बेस्ट पॉसिबल थे वो यही थे, मगर स्ट्राइक फखर जमान को दे। इस पर हम मजीद बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमरीका के मैच के हवाले से। अब पाकिस्तान का 9 जून को यानी इतवार वाले दिन मैच होगा और पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा रिवायती हरीफ भारत। लेकिन आज जो हैरत अंगेज बात हुई कि कैनेडा की टीम ने आयरलैंड को हरा दिया। ये वही आयरलैंड है जिसने पाकिस्तान को पहले T20 में 10 मई को हराया था, शिकस्त दी थी, लेकिन आज आयरलैंड को अपसेट शिकस्त दी है कैनेडा ने। और पाकिस्तान का 9 जून को भारत से और 11 जून को कैनेडा से मैच है, और दोनों मैचेस न्यूयॉर्क में। खुर्रम, कैनेडा उसका कप्तान जो है साद बिन जफर गुजरांवाला में पैदा हुआ पाकिस्तानी निजाद है, और उनकी टीम भी एक्सपैट्रिएट्स पर मुश्तमिल है। समझते हैं कि आज की इस फतह के बाद आयरलैंड तो फिर भी अच्छी टीम है, उसको हराने के बाद कैनेडा का और हौसला बुलंद होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी? देखिए इकबाल भाई, एक बात याद रखिएगा, जीत और हार इतना मैटर नहीं कर रहा, जिस पिच पे मैच है ना उसका खेल के एक्सपीरियंस बड़ा मैटर कर रहा है इस वर्ल्ड कप। कनाडा भी खेल चुका है, इंडिया भी खेल चुका है, दो मैच अच्छा, हमारे जिसने भी स्केजुअल जो उन्होंने जिसने भी बनाया था, जो भी था बल्ला आलम, उसने इतना जबरदस्त रखा कि प्रैक्टिस मैच ही नहीं रखा, मतलब कमाल होगा। एक आप आयरलैंड की कंडीशन में खेल के गए, फिर आप वहां से चले गए इंग्लैंड, दोनों डिफरेंट कंडीशन, और जहां आपका मेन वर्ल्ड कप था, इवेंट था, जिसके प्रोसेस के लिए आपने बोला 3 सीरीजों पहले से हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां जाके आपने एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। बाकी टीमें बेवकूफ नहीं है जिन्होंने मांगे हैं प्रैक्टिस मैच के, हमें जरूरत है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जिम्मेदार हुआ ना, जो उनको सजेशन नहीं दी, नहीं जो नहीं तो बाबर को बोलना चाहिए था हमें मैच चाहिए। अगर आप इतनी अथॉरिटी चला रहे हैं, दिख रही है, इतने डोमिनेटिंग है, तो आपको बोलना चाहिए था भाई हमारे को प्रैक्टिस मैच चाहिए, भले 2 दिन पहले मिले, प्रैक्टिस मैच देखें। प्रैक्टिस मैच से आइडिया होता है कि मेन विकेट होगी कैसे, ग्राउंड की सराउंडिंग क्या है, आउटफील्ड कैसी है, हवा कब चल रही है, कब नहीं चल रही, किस तरह आपको बॉल के अंदर हेल्प मिलेगी, रिवर्स होगा नहीं होगा, मगर आपने बोला हम डायरेक्ट मैच में खेलेंगे, तो मैच ही खेल लिया। फिर बाबर आजम के पास ऐसे तो डाटा बहुत होता है, लेकिन यहाँ वाले डाटा पे वो इतना काम नहीं कर सके। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, सही जरूर बात कर रहा हूँ, मारीपुर हाथ के रोड। जी जी, आप पूरा एड्रेस बता देते, पहले भी आपने कॉल की थी, क्या कहना चाहेंगे भाई जदून साहब? जी इकबाल भाई, मैंने तो देखो मैच से पहले ही आपको कहा था कि हम तजर्बे कर रहे हैं, कल भी वही हुआ, और अभी तक हम आजम खान को अखबार है जो मुसलसल 2 मैचों में 0 पे आउट हुआ। अच्छा, उसके अलावा जो है ना आपने देखा कि जो है ना मिड ऑफ पे हमने लास्ट बॉल पे प्लेयर अंदर लिया हुआ है आगे, हालांकि एक बॉल पे 4 रन 5 रन चाहिए, तो हमने विकेट क्या करनी है लेके जो हमने आगे प्लेयर दिया, बाउंड्री से क्यों नहीं लिया गया? सवाल क्या करेंगे आप जदून साहब? आवाज आ रही है मेरी बॉल भाई? सवाल क्या करेंगे आप? मैं ये सॉल्व करूंगी, अभी भी पाकिस्तान पहले मैच की अगर मगर की सूरतेहाल से 2-4 हो गए तो कैसे आगे पहुंच सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाकई में बात सही की उन्होंने कि अभी से 4 पॉइंट्स हो गए कनाडा के, इस ग्रुप से 2 पॉइंट्स हो गए हैं, नहीं 4 पॉइंट्स हो गए अमेरिका के, 2 पॉइंट्स हो गए कनाडा के, 2 पॉइंट्स हैं अभी भारत के, आयरलैंड का कोई पॉइंट नहीं है। तो आप क्या समझते हैं आगे की क्या सूरतेहाल नजर आ रही है? हम तो अपने अगले मैच देख ही रहे हैं,
अब मेन मैच है यूएसए की टीम के, अगर उन्होंने मैच एक तरह के जीत लिया, एक भी मैच जीत लिया, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो किसी को भी वक्ता डाल सकते हैं। तो एक मैच भी जीत लिया उन्होंने, वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, उनको इंडिया के खिलाफ भी अगर टॉस उनके हक में चला गया तो कुछ भाई नहीं, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो इंडिया को भी टफ टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद उनका अभी मैच आयरलैंड से, उनका आयरलैंड से मैच बाकी है। दूसरी बात ये है कि इन दोनों में से आयरलैंड आसान हरीफ दिख रहा है, मगर जिस तरह की पिचेस है ना, कोई टीम किसी को भी हरा सकती है, खासतौर न्यूयॉर्क की पिच। देखते हैं क्या क्या होता है। हम आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। आज हमने बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स नहीं, जिनकी कॉल्स नहीं ले सके उनसे माजरत, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे शो में कॉल करके अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे की यह एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुँची। मिर्ज़ा इकबाल बे, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।